गुडीज पूजा वेज हाउस में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए। तो चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। इसके लिए हमें चाहिए ओरियो बिस्किट का एक पैकेट 10 वाला, और हमें इसके लिए और चाहिए काजू की पाउडर यानी काजू क्रश किए हुए मिक्सी में, और 2 चम्मच मलाई यानी घर पे बनाई हुई क्रीम मलाई, फेट फेट के बनाना है, जो दूध पे आती है मलाई उसे फेटना है हमें। बिस्किट, काजू और क्रीम, ये हमें बस 3 चीज़ें चाहिए। नो गैस, नो बटर, नो घी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसकी जो बिस्किट की जो क्रीम है वाइट क्रीम ओरियो बिस्किट की, उसे निकाल लेंगे इसे छुरी से, चाकू से। ऐसे करके हमें सारे बिस्किट की क्रीम निकाल लेनी है। ओरियो बिस्किट के 10 रुपए के पैकेट में 5 बिस्किट आते हैं, उसमें बहुत सारी मिठाई बन जाती है। ऐसे करके हमें सारे बिस्किट की क्रीम निकाल लेनी है। क्रीम का यूज मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हमें क्या करना है, ये मेरे सारे बिस्किट रेडी हो गए। अब इसे हम हाथों से अच्छे से इसे क्रश कर लेंगे, अच्छे से हाथों से ही करना है क्योंकि ये बिस्किट बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हाथों से जल्दी हो जाते हैं ये बिस्किट। और इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और बारीक दर्द एकदम बारीक फाइन पाउडर ऐसा करके पीस लेंगे। ये मेरे थोड़े से क्रश करना बाकी थे इसलिए मैंने कर लिए। देखिए मेरे अब पाउडर, बिस्किट की पाउडर रेडी हो गई है। अब हम क्रीम का यूज़ करेंगे। ये जो 5 बिस्किट की क्रीम है इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच काजू की पाउडर, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिठाई के अंदर का मिश्रण होगा। इतनी अच्छी मिठाई बनती है, इसके लिए ना गैस जलाना है, नो घी, नो बटर। आपको सब जन पूछेंगे कैसे बनाई ये मिठाई, तो मेरे वीडियो शेयर जरूर करना आप। हमारी बिस्किट टिक्का पाउडर रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच हमारी घर की बनी हुई क्रीम, और हमें हाथों को अच्छे से इसे साफ करके लेना है। हमारे हाथ एकदम साफ होने चाहिए इसके लिए, और हमें हाथों से इसका आटा गूंद लेना है। ऐसे करके हमारा मल मल के पूरा अच्छे से आटा गूंद करके लेना है हमें, अच्छे से मलना है इसे। देखिए हमारा अब आटा गूंद के रेडी हो गया है। इसके हम छोटी सी लोई लेंगे और इसे गोल गोल घुमाएंगे। गोल गोल घुमाने के बाद हम इसे बीच से दबा लेंगे, इसे जैसे हम मोदक बनाने के लिए दबाते हैं ना, वैसे वैसे ही हमें दबाना है। और इसके साइड्स अच्छे से पैक करके लेनी है, और इसके अंदर हम डालेंगे अब छोटी सी लोई बना के, अंदर की जो वाइट क्रीम थी ना वो इसे डालेंगे और इसे थोड़े से दबा लेंगे इसे हल्के हाथों से, और इसकी सारी साइड को गोल घुमा के अच्छे से दबा लेंगे। ऐसे हल्के हाथों से काम करना है हमें काफ़ी ये, और इसे गोल गोल घुमाएंगे और इसका पेड़ा बना लेंगे ऐसा। देखिए हमारा कितना सुंदर पेड़ा बन गया है। अब हम दूसरा भी ऐसा करके बना लेंगे। आप ठीक से देखिए, एक लोई लेनी है, इसे गोल घुमाना है, फिर इसे उसकी साइड अच्छे से दबानी है, फिर उसमें हम डालेंगे वाइट क्रीम और काजू की पाउडर का बना हुआ मिश्रण। इसे डालने के बाद हमें अच्छे से दबाना है इसको हल्के हाथों से, फिर साइड पूरी कवर कर लेनी है हमें, और इसे रेडी हो गया। आपको सब जन पूछेंगे मिठाई कहाँ से बनाई, कहाँ से ली, एकदम शॉप जैसी, हलवाई जैसी मिठाई बन के रेडी हो गई है। अब हमारी सारी मिठाई रेडी हो गई। हम आपको अब कट करके भी दिखाते हैं अंदर की मिठाई और बाहर की मिठाई कैसी लगती है। देखिए कितनी सुंदर और कितनी सॉफ्ट और कितनी इजी बन गई हमारी मिठाई, और खाने में तो क्या बताओ आपको, इतनी अच्छी लगती है। आपको सब जन पूछेंगे कैसी बनाई कैसी बनाई, तो मेरी वीडियो ये शेयर ज़रूर करना उनको। देखिए कितनी सुंदर, हम दूसरी भी आपको कट करके दिखाते हैं अब। और इसमें कोई भी बना सकता है क्योंकि इसमें गैस चलाना ही नहीं है हमको। देखिए हमारी दूसरी मिठाई भी कट करके रेडी हो गई। मेरी भी रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और मेरा वीडियो शेयर जरूर करना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।